नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। मैं आपके साथ रोहन सोनकर। खबर गोंडा से है, जहां विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र पर हो रहे सिलाई मशीनों का वितरण मामले में विभाग सरकार की योजनाओं का पलीता लगा रही। लाभार्थियों को मिलने वाली सिलाई मशीनों को अवकाश के दिन विभाग के कर्मचारियों ने बिना लाभार्थी के पहुंचे दर्जनों मशीन को ई रिक्शा पर लाद बंदर बांट कर लिया। पूरा मामला जिला उद्योग केंद्र पर बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विभाग का कर्मचारी छुट्टी के दिन ऑफिस खोल मशीनों को रिक्शा पर लाद कहीं भेजता नजर आ रहा है। इस बारे में विभाग के सहायक अधिकारी हरि प्रताप मौर्या ने बताया कि अभी तक जो भी मशीनें का वितरण किया गया है उसमें लाभार्थी के आने पर ही किया गया है। छुट्टी के दिन वितरण करने का कोई भी आदेश नहीं था। ई रिक्शा पर जो भी मशीनें लदकर गई उसके बारे में उन्हें कोई संज्ञान नहीं है। सर, सर्वप्रथम तो अपना परिचय बता दें। मैं हरि प्रताप मौर्या जी, संकेत का जिला उद्योग केंद्र गोंडा। सर, एक मामला संज्ञान में आया है। कल छुट्टी थी सर, बिल्कुल महावीर जयंती की, जिसमें एक ही लाभार्थी को 13 बैटरी सिलाई मशीन बैटरी रिक्शे पे लातवा करके दिया गया, क्या है पूरी जानकारी दें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने विश्वकर्मा स्वयं सम्मान दो फेजों में इसका सिलेक्शन किया गया। फर्स्ट फेज में कुल 250 टारगेट थे और सेकंड फेज में 350। कुल मिला जुला के हमारे हुए 600 मशीनें हुई। हेडक्वार्टर अभी शासन का यह निर्देश था कि इनको शॉर्ट टाइम में ही बंटवाना है, क्योंकि आगामी चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो हमारी जो भी मशीनें हैं बंटने में दिक्कत आएगी। आचार संहिता में हम कोई भी चीज़ इस तरह से लाभार्थियों को नहीं बांट सकते। एक तो ये भी निर्देश थे और निर्देशित ये भी किया गया था ACS महोदय द्वारा कि 26 से लेकर 28 के बीच में ही मशीनों का वितरण अनिवार्य रूप से कर दिया जाए, लेकिन निर्धारित समय पर मशीनों की आपूर्ति शासन अपने निदेशालय द्वारा न होने के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ। 29 तारीख को हमारे यहाँ मशीनें आई। 29 तारीख से कंटिन्यू हमारे मशीनों का वितरण निर्धारित बुकलेट जो भी शासनादेश हैं उसके आधार पर बुकलेट बनाए गए हैं। बुकलेट में जो भी लाभार्थी हैं उनके दस्तावेज लिए जाते हैं। दस्तावेज के ही आधार पर प्रत्येक लाभार्थी को बल्कि दिया भी जाता है। सर, क्या उनको यहाँ बुलाया भी जाता है? बिल्कुल 100% लाभार्थियों को। तो फिर एक ही आदमी को 13 ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आपको वीडियो में दिखाया भी गया? वीडियो में दिखाया है, ठीक है, मेरे संज्ञान में आया है। मैंने बाबू से भी स्पष्टीकरण लिया है, स्पष्टीकरण वो दे रहे हैं। सर, इसके मतलब जो जिसे कल बांटने के लिए क्या आपको पास कोई ऊपरी शासन से निर्देश था? कोई ऊपरी शासन से आदेश नहीं था, क्योंकि अभी हमारे 4 ट्रेड के और पुल की टाने वाले हैं, ठीक है, हमारे पास रखने की भी जगह नहीं है। ऐसी दशा में पात्र अभ्यर्थी जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको ही दिया जाना है। ऐसा नहीं कि हम अपात्रों को दे देंगे, जो मेरे पहले से सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं हम उनको ही देंगे। बाकी अभी हमारे अन्य ट्रेड में लोहार हैं, बढ़ई हैं, हलवाई हैं, कुम्हार हैं, इन ट्रेडों की और टूल किट हैं, मेरे पास रखने की भी जगह नहीं है। और शासन से वो भी निर्देश है कि जल्द से जल्द उसको ले आके जो भी हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको देना।